आज बात करते हैं पुंकेसर तथा लघु विजन ध्वनि के बारे में। तो इधर देखना, मैंने आपको पार्ट टू के अंदर बताया था कि जो पुंकेसर जो होता है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर नर जननांग के रूप में पाया जाता है। कि जो आवर्त बीजी जो पादप जो होते हैं, आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवर्त बीजी पादपों के अंदर नर जननांग की अगर बात करें, नर जननांग की अगर बात करें तो नर जननांग के रूप में क्या होता है, पुंकेसर होता है। याद रखना क्या होता है, पुंकेसर होता है। इसलिए इस संरचना को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पंज भी बोलते हैं। याद रखना क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो नर जननांग उपस्थित होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। और इस संरचना को या इसलिए इसे पुंकेसर को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु पंज भी कहते हैं। अब ध्यान देना इधर कि जो पुंकेसर जो होता है इसके मैंने आपको तीन भाग बताए थे। अब तीन भाग जो होते हैं कौन कौन से, जैसे उत्तक होता है, योजुतक होता है, प्राग कोष होता है। तो इधर देखना कि ये पुंकेसर की संरचना होती है। एक पुंकेसर की संरचना की अगर बात करें तो देखना इधर, ये पुंकेसर की संरचना के ऊपर शीर्ष भाग पर जो पाया जाता है वो होता है प्राग कोष। और प्राग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, प्राग कणों का निर्माण होता है। ये वाली संरचना जो होती है वो कराती है योजी उत्तक। क्या कराती है, योजी उत्तक कराती है। और ये संरचना यहां कराती है डंठल, या बोलते हैं इसको उतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उतंतु बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक नंबर उतंतु, उतंतु, और दो नंबर क्या हो जाएगा, योजी उत्तक, योजी उत्तक। और तीन नंबर की अगर बात करें वो हो जाएगा प्राग कोष, प्राग कोष, ठीक है। तो इधर देखना कि जो उतंतु जो होता है, उतंतु जो होता है ये एक लंबी वृंतनुमा संरचना होती है जिसके शीर्ष भाग पर क्या होता है, प्राग कोष पाया जाता है, ठीक है। तो इधर देखना उतंतु लंबी वृंतनुमा, वृंतनुमा संरचना। और शीर्ष वाक्य की बात करें, शीर्ष वाक्य में क्या होता है, प्राग कोष उपस्थित होता है। क्या होता है, प्राग कोष उपस्थित होता है। और प्राग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, प्राग कणों का निर्माण होता है। इसके बाद में बात करें कि जो प्राग कोष जो होता है उसकी दो पाली होती है। और ये जो दो पाली जो होती है ये योजी उत्तक द्वारा संधित होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। किसके द्वारा, योजी उत्तक द्वारा आपस में संधित होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो इधर, ये प्रागकोष हो गया, उतंतु हो गया, योजितक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रागकोष जो होता है इसमें दो पाली पाई जाती है, ठीक है। और प्रत्येक जो पाली होती है उसमें दो कोष होते हैं, प्रत्येक पाली जो होती है उसमें दो कोष होते हैं। यह बात करें कि इस एक प्रागकोष की संरचना के अंदर चार प्रागकुटक, एक प्राग कोष की संरचना के अंदर चार प्राग कुटक, और इन प्राग कुटक को अपन बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। तो देखो चार प्राग कुटक या चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। एक प्राग कोष की संरचना के अंदर इसमें निम्न स्तर पाए जाते हैं, एक प्राग कोष की संरचना के अंदर इसमें निम्न स्तर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इधर देखना इनको मिला देता हूं। एक प्राग कोष की संरचना के अंदर देखो निम्न स्तर जो पाए जाते हैं वो अपने एक नंबर एपिडर्मिस, याद रखना एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। और दो नंबर जो होता है वो होता है अंतः स्थिशियम, अंतः स्थिशियम, अंतः स्थिशियम। और तीन नंबर जो होता है वो होता है, याद रखना, मध्य प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, ठीक है। और चार नंबर हो जाएगा प्रोसुतक या टेपिटम सेल, करते हैं टेपिटम सेल, टेपिटम कोशिकाएं।
ये प्राकोष के प्राकोष की संरचना के अंदर ये निम्न स्तर पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से, एपिडर्मिस हो जाएगा, अंतस्थिशियम हो जाएगा, मध्य पटल हो जाएगी, पेपिटम हो जाएगी। एक प्राकोष की संरचना के अंदर एक प्राकुटक या लघु बीजाणु था, या कोई ये कह सकते हैं कि एक प्राकोष की संरचना के अंदर मैंने दो पाली बताई थी और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष बताए थे। कितने बताए थे? दो कोष बताए थे। तो देखो इस एक प्राकोष की संरचना के अंदर इसमें बात करें तो इसमें एक प्राकुटक या चार लघु बीजाणु नाली पाई जाती है, एक दो तीन चार, चार लघु बीजाणु नाली पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं केवल एक प्राकुटक या लघु बीजाणु धानी की। तो इसमें से बैगे इधर एक प्राकुटक की अगर बात करें तो इस एक प्राकुटक या लघु बीजाणु की धानी में लघु बीजाणु धानी की संरचना के अंदर निम्न स्तर पाए जाते हैं। अब जो निम्न स्तर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया आपको, एक नंबर एपिडर्मिस, दो नंबर अंतस्थिशियम, तीन नंबर मध्य पटल और चार नंबर प्रोसुप्त कोशिका या एपिडर्म सेल होती है। तो इधर देखना आप कि इस प्राकोष की संरचना के अंदर, प्राकोष की संरचना के अंदर सबसे बाहरी स्तर जो होता है, देखो प्राकोष की संरचना के अंदर सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो होता है अंतस्थिशियम, सॉरी एपिडर्मिस। सबसे बाहरी संरचना जो होती है वो कौन सी हो जाएगी? एपिडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, इस एपिडर्मिस की अगर बात करें कि इसका जो निर्माण जो होता है केवल एपिडर्मिस के द्वारा होता है। यह संख्या में केवल कैसी होती है? एकल प्रतिरूप होती है। ठीक है, कौन? एपिडर्मिस। तो कहने का मतलब प्राकोष की संरचना के अंदर सबसे बाहरी जो परत जो होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब इसका जो कार्य होता है प्रमुख रूप से, जो कार्य जो होता है किसका? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का जो प्रमुख रूप से कार्य जो होगा वो क्या होगा? प्राकोष की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक है, प्राकोष की सुरक्षा करती है और प्राकोष के अंदर क्या होता है? प्राकणों का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे की ओर, इसके जस्ट नीचे की ओर जो परत पाई जाती है वो कौन सी होती है? अंतस्थिशियम होती है। ठीक है, कौन सी होती है? अंतस्थिशियम होती है। अब देखो अंतस्थिशियम परत जो होती है ये इसके अंदर क्या होता है? ये आर्द्रता ग्रही युक्त होती है। अंतस्थिशियम परत क्या होती है? आर्द्रता ग्रही युक्त होती है। इसके अंदर रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, एक तो इसमें रेशेदार पट्टी पाई जाती है, एल्बा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। अब जो एल्बा सेलुलोज जो होता है ये क्या करता है? प्राकोष के इस पुटल में क्या होता है? सहायता करता है। याद रखना, एल्बा सेलुलोज क्या करता है? प्राकोष के इस पुटल में सहायता करता है। ये थी अंतस्थिशियम के बारे में। अब अगर यहां इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना प्रोसुप्त कोशिकाओं के द्वारा या प्रप्रसुप्त कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रप्रसुप्त या प्रोसुप्त की सेल्स जो होती है क्या होती है? तो इधर देखना अविभेदित प्राकोष की, देखो अविभेदित, अविभेदित प्राकोष की, प्राकोष की संरचना के अंदर जो एंडोडर्मिस कोशिका जो होती है, एंडोडर्मिस जो होती है वो क्या करेगी? कोशिका द्रव्य का भक्षण करेगी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया एंडोडर्मिस सेल क्या करेगी? कोशिका द्रव्य का भक्षण करेगी। और कोशिका द्रव्य का भक्षण करके क्या करेगी? अपने आकार में क्या करेगी? ग्रोथ कर लेती है, अपने आकार को क्या कर लेती है? बढ़ा देती है। ठीक है, अपने आकार को बढ़ा देती है। ठीक है, एंडोडर्मिस कोशिका क्या करेगी? अपने आकार को, कोशिका द्रव्य का भक्षण करेगी और अपने आकार को क्या कर लेती है? बढ़ा लेती है, ग्रोथ कर लेती है, वृद्धि हो जाती है इसके अंदर। और ये जो सेल्स जो होती है ये क्या करती है? प्रोसुप्त कोशिका कहलाती है या प्रोसुप्त सेल्स कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो था अंतस्थिशियम एपिडर्मिस की बात होगी, इसके बाद अंतस्थिशियम की बात होगी। अब चलते हैं मध्य पटल कि अंतस्थिशियम के नीचे की ओर जो परत पाई जाती है वो कौन सी होती है? मध्य परत होती है। और मध्य परत जो होती है ये संख्या में कितनी होती है? एक से तीन होती है। कैसी होती है? एक से तीन होती है। ठीक है, ये वृद्धियुक्त और अल्पकालिक होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, कैसी होती है? जो मध्य परत जो होती है ये अल्पकालिक या अल्प समय की होती है। संख्या के अंदर कितनी हो जाएगी? एक से तीन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी कि जो इसके अंदर जो प्राकोष की संरचना निम्न स्तर होता है, एक नंबर हो गया एपिडर्मिस, दो नंबर हो गया अंतस्थिशियम, तीन नंबर हो गया मध्य परत और चार नंबर आता है एपिडर्म सेल्स की। तो देखो एक प्राकोष की संरचना के अंदर जो सबसे भीतरी संरचना जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्म सेल कहलाती है। क्या कहलाती है?
टेपिटल सेल्स कहलाती है। अब यहां पर बात करते हैं जो टेपिटल सेल्स जो होती है इसके दो भाग होते हैं भाई। टेपिटल कोशिका भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब जो दो प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इधर देखना आप, इसको मिटा देता हूं। देखो टेपिटम सेल्स की अगर बात करें तो टेपिटम सेल्स जो होती है दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार जो होता है वो कौन कौन सा होता है देखना। एक नंबर जो होता है कभी आपने सुना होगा अमीबी है या पेरिप्लाज्मोडियम। तो इधर देखना टेपिटम सेल, टेपिटम कोशिका या प्रोसूतक कोशिका बोल दो, प्रोसूतक कोशिका ठीक है, प्रोसूतक यानी ठीक है। ये जो दिए गए कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार जो होता है एक नंबर होता है अमीबिया या पेरिप्लाज्मोडियम। तो देखना इधर अमीबिया या बोलते हैं इसको पेरिप्लाज्मोडियम। पेरिप्लाज्मोडियम और दूसरी जो होती है वो नहीं स्त्रावी, स्त्रावी या ग्रंथि, स्त्रावी या ग्रंथि कोशिका। तो यहां पर बात करूंगी जो टेपिटम सेल जो होती है वो कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होती है, अमीबी है यानी बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम, या दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? स्त्रावी या ग्रंथि कोशिका। ये तो था अब तक कि जो टेपिटम सेल्स के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में, अंतस्थिशियम के बारे में, मध्यवर्ती पर। अब आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं अमीबी है या पेरिप्लाज्मोडियम या इस तरह